ठीक से एकदम ठीक से घबराओ नहीं। अरे 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 ऊपर चाहिए, ऊपर से छोड़ दिया सब गिर जाएगा। आ जाइए, सामान तो नहीं है। हटो अब वहां जा लो, आगे से देखो बेटा। अब ये चीज देखो, उनको दिखा दो बाबू, ऊपर ठीक था। ओके सर, देखो आगे सब कौन लटकल बा, कौन ठीक ना 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 आराम से कहां पकड़ लो, कहां हार से देख लो, देख लो तो बाबू गिर जाए। भाई तुम सामान नहीं है इसमें, सामान नहीं हम कह रहे हैं इसको कि जो साई हुई है, इसलिए कह रहे हैं कि तू पूरा देख ले बेटा। घर पे घर का कोई ऑनर है नहीं और आप। हाँ बाबू हम कहाँ कह रहे हैं ना बाबू, हम तुमको हाथ जोड़ रहे हैं, हम तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का भी मजबूरी बेटा, मजबूरी हम लोगों की भी है। आगे देख लो कितने सामान, कितने सामान नहीं है। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ यहाँ। यहाँ पे कुल मिला के एक भैंसा पुल में अतिक्रमण हटाया गया है, बाकी दल सागर में कार्रवाई हो रही है। औद्योगिक थाने के पास वाले क्षेत्र में और गोलम्बर के पास में कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण नहीं है, इन लोगों को नोटिस दिया गया था। ये जो NH-84 बन रहा है उसमें इनकी भूमि आ रही है, इनके लिए मुआवजा दे दिया गया है। कुछ लोग हैं NOC नहीं दे रहे हैं, जिससे योजना के कार्यों में बाधा हो रही है। तो जिला पदाधिकारी का आदेश था कि इन संरचनाओं को हटाना है ताकि रोड का काम जारी रहे। तो लगातार लोग जो आक्रोशित हो रहे थे, उनका कहना है कि भुगतान क्या समस्या नहीं, लोग सहायता भी दे रहे हैं, हर संभव सहायता दे रहे हैं। औद्योगिक थाने के पास लोग खुद से तोड़ रहे हैं, बाकी एक दो रैयत हैं जो NOC नहीं दे रहे हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों में है। तो उसमें है कि भाई आप NOC दे देंगे तो उनको पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वो डिले करेंगे तो पैसा मतलब वो संरचना को तोड़ दिया जाएगा। बाकी आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बेलाऊ गांव के लोगों का डेडिकेटेड है जमीन, लेकिन जो लोग रह रहे थे उससे वो तो खुले आसमान के नीचे क्या वैकल्पिक कोई व्यवस्था दी जा रही है। उस मामले में ये है कि जो भी जमीन का है मुआवजा, तय मुआवजा वो कोर्ट में जमा करा दिया गया है। कोर्ट पे अब कोई मतलब कोर्ट में जो पेंडिंग है, बाकी इन लोगों का है। जैसे उन लोगों ने खुद ही समय मांगा 24 घंटे का, तो उनको कल 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। उन्होंने खुद ही बताया है कि हम कहीं ना कहीं शरण ले लेंगे, तब तक जहां तक संभव हो सकता है जो खाली था उसको तोड़ दिया गया है। बक्सर अनुमंडल इलाके में अब किसी तरह का कोई लिटिगेटेड नहीं है, NHAI का नहीं, अब लगभग कंप्लीट है और योजना बहुत तेजी से चलेगी। एक मंदिर की भी बात कही जा रही है सर, मंदिर के लिए पहले बताया गया था कि कोई कमेटी अगर आती है वो अगर सहमति देते हैं तो निजी ज़मीन में मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उसके लिए NHAI की तरफ से फंड भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कर्मचारी महोदय के सामने अपना डाटा दिया है, उन्होंने बताया है कि 24 घंटे के अंदर में वो अपना NOC दे देंगे और कमेटी वहाँ मंदिर का निर्माण करेगी।